असलम स्टूडेंट्स मेरा नाम रहमान और फार्म डी फर्स्ट प्रोफ फार्मास्यूटिक्स फ़िजिकल फार्मेसी का ये मेरा एक और लेक्चर है और ये लास्ट टॉपिक है फार्म uh, डी के पीयू के सिलेबस का जिसका नाम है ड्रग स्टेबिलिटी एंड डिग्रेडेशन ऑफ ड्रग्स ठीक है तो होप्स हो के दो तीन लेक्चर में ये मैं पूरा जो चैप्टर है लास्ट चैप्टर अगर सिलेबस देखें खोल कर तो ये लास्ट चैप्टर बनता है प्रॉबली ये सारा मैं दो तीन लेक्चर्स में कम्प्लीट कर दूँगा और ना समझ में आए कुछ तो आपने कमेंट में जरूर पूछना पूछना है इससे पिछले जो लेक्चर्स है फार्मास्यूटिक्स के मैं गाइड कर देता हूँ वो कार्ड्स में भी यहाँ शो हो रहे होंगे और डिस्क्रिप्शन uh, में भी देख लेगा वो होंगे फिजिको केमिकल प्रोसेसेज और मिसिलीनियस प्रोसेस पे कंप्लीट गाइड है नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे व्हाट्सएप के थ्रू तो स्टार्ट करते हैं ड्रग स्टेबिलिटी ड्रग स्टेबिलिटी के सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़नी ड्रग स्टेबिलिटी होता क्या सो डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ और कैपेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर फॉर्मेशन इन अ स्पेसिफिक कंटेनर टू रिमेन विद इन अ पार्टिकुलर फिजिकल केमिकल माइक्रोबायलॉजिकल थेरापूटिकल एंड टॉक्सोलॉजिकल स्पेसिफिकेशन बहुत लेंथी डेफिनेशन एक लग रही है ठीक है ना इसको ऐसे ही आपने ऐसे याद करना है मैं इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ है क्या डेफिनेशन बता के एरिया में सबसे पहले मैंने हाईलाइट किया पर्टिकुलर फॉर्मेशन ठीक है ना फार्मेशन पर्टिकुलर फार्मुलेशन अगर हम देखें ड्रग्स की तो आपको भी यहाँ समझ में आ हो रहा होगा कि तीन से चार तरह की पर्टिकुलर फॉर्मेशन है फॉर्मुलेशन हैं ड्रग्स की जिसमें हमारे पास आते हैं कोलाइड सस्पेंशन इमल्शंस सॉलिड डोजेज फॉर्म ठीक है और uh, इसके बाद हमारे पास ये जो दो हैं ये लिक्विड डोजेज फॉर्म में इसके बाद कैप्स्यूल्स ठीक है ये जितनी भी uh, हमारे पास डोजेज फॉर्म्स हैं ना इनको हम पर्टिकुलर फॉर्मेशन फार्मुलेशन कहते हैं ठीक है ना तो पर्टिकुलर फॉर्मेशन या डोजेज फॉर्म की कैपेसिटी या कैपेबिलिटी एबिलिटी कह देता हूँ कि वो अपनी स्पेसिफिक हालत में रहे कंटेनर के अंदर किसी भी कंटेनर के अंदर कैप्सूल के अंदर जेलेटिन कोटेड में है शुगर uh, कोटेड में है Uh, किसी अगर सस्पेंशन है तो बोरेक्स ग्लास में है अगर टैबलेट है तो एलुमिनियम शीट के अंदर है किसी भी कंटेनर के अंदर वो स्पेसिफिक डोजेज फॉर्म अपनी स्पेसिफिक हालत को मेंटेन करे उसी हालत में रहे काफ़ी देर तक और वो हालत में रहेगी साथ साथ क्या मेंटेन मैंटेन करेगी अपनी फिजिकल केमिकल माइक्रोबायोलॉजिकल जो माइक्रोबी माइक्रोबियल पार्टिकल उसके अंदर है वो उसके अंदर रिमेन सस्पेंड रहेंगे बाहर से कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं आएगा थेरापोटिकल एक्टिविटी डिस्टर्ब नहीं होगी टॉक्सोलॉजिकल वो वो होंगे रिजर्वड होंगे मतलब कि बिल्कुल उनके अंदर कोई टॉक्सिसिटी नहीं होगी तो इन स्पेसिफिकेशन को पूरा उतरते हुए वो अपने जो पर्टिकुलर फॉर्मेशन है वो अपनी इन हालत के अंदर रहता है तो इसको हम कहते हैं ड्रग स्टेबिलिटी मीन्स कि वो ड्रग हमारी स्टेबल है और ड्रग स्टेबिलिटी का ताल्लुक टाइम से होता है जितनी देर तक वो स्टेबल रहेगी पर्टिकुलर फॉर्मेशन के अंदर पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर स्पेसिफिक रहेगी तो उसको हम कहेंगे उसकी जो शेल्फ लाइफ या एक्सपायरी डेट है वो ज़्यादा है ठीक है फार्मासूटिकल प्रेपरेशन डोजिज फॉर्म या पर्टिकुलर फार्मुलेशन हैव स्पेसिफिक स्टेबिलिटी हर एक की स्टेबिलिटी वेरी करती है टेम्परेचर टाइम कंसनट्रेशन उसकी फार्मुलेशन पे पैकेजिंग पे तो हर एक की जो प्रेपरेशन वो हमारे पास स्पेसिफिक स्टेबिलिटी है ना वो डिफरेंट होती है स्टेबिलिटी तो एक जनरल टर्म है स्पेसिफिक स्टेबिलिटी जब कहेंगे तो उसका टाइम से रिलेशन हो जाएगा स्टेबिलिटी कैन बी अफेक्टेड बाय डिग्रेडेशन सो अब अगला हमारा टॉपिक होगा डिग्रेडेशन सो व्हाट इज डीग्रेडेशन ठीक है तो डीग्रेडेशन इट इज़ द ऑपोजिट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग्स ड्रग जाहिर है स्टेबल तो है वो हमारे अगर हम कहें जो थ्योरेटिकल theoretical, थ्योरेटिकली जो है वो स्टेबल हमने ड्रग को बना लिया लेकिन एक्चुअल में उनमें कुछ ना कुछ इनस्टेबिलिटी भी तो होगी ना तो द इनस्टेबिलिटी इन द स्टेबल द इनस्टेबिलिटी इन द डोजेज फॉर्म इस इज़ ड्यू टू डिग्रेडेशन और डिग्रेडेशन क्या है इट इज़ द अपोजिट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग्स इट इज़ कॉज ऑफ इनस्टेबिलिटी ऑफ ड्रग्स ठीक है डिग्रेडेशन दो टाइप्स की थी अच्छा डिग्रेडेशन का अगर मैं सिंपल मीनिंग बताऊँ तो सिंपल ठीक है ये ए ये बी ये दो मिलकर एक डोजेज फॉर्म बनी हुई है प्रॉपर ठीक है कोई एक्सटर्नल एजेंट है कोई भी एक्सटर्नल एजेंट है उसने यहां ए को बी को और सी को ए भी तो ठीक है ये थे हमारे फार्मास्यूटिकल ये सी कहां से आ गया सी कोई ना कोई एक्सटर्नल एजेंट में से कोई हाइड्रोलाइसिस अगर वाट, वाटर की मौजूदगी होगी तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन ज्यादा हो जाएंगे मतलब कुछ ना कुछ छेड़छाड़ हो जाएगी ड्रग के अंदर तो इसको डिग्रेडेशन कहते हैं और ड्रग स्प्लिट हो जाएगी अपने कंपोनेंट्स में ठीक है डिकम्पोज हो जाएगी दो टाइप्स की डिग्रेडेशन हमारे सिलेबस में है फिजिकल डिग्रेडेशन केमिकल डिग्रेडेशन और एक डिग्रेडेशन है जो हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन उसका नाम है न्यूक्लियर डिग्रेडेशन और इस न्यूक्लियर डिग्रेडेशन का फिर हम पॉजिटिव इस्तेमाल करते हैं आगे डायग्नोज करने के लिए मुख्तफ डिजीज को और क्योर करने के लिए जिस तरह कैंसर सो so, अब हम पढ़ते हैं फिजिकल डिग्रेडेशन बेसिकली ये लेक्चर सारे इंट्रोडक्शन पर आगे हम इनकी डिटेल्स पढ़ेंगे फिजिकल से आपको पता लग रहा है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो ड्रग्स की होंगी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं हार्डनेस ब्रिटलनेस पार्टिकल साइज जिनको हम ऑर्गेनोलैप्टिक प्रॉपर्टीज भी कहते हैं ठीक है थीके? और ये सारी होती क्यों चेंज इन अपेरेंट्स की वजह से चेंज इन अपेन्ट्स हो जाएगी ड्रग अगर इस तरह की स्पेसिफिक शेप में वो इस तरह इस तरह होगी चेंज इन अ पेरेंट्स होगी तो उसका पार्टिकल साइज भी डिस्टर्ब हो गया ब्रिटलनेस भी डिस्टर्ब हो गई और हमारे पास हार्डनेस भी डिस्टर्ब होगी ठीक है तो चेंज इन फिजिकल नेचर ऑफ ड्रग इसका फिजिकल डिग्रेडेशन ठीक है अब ये सारी जो डिग्रेडेशन है वो किन किन वजूहत से हो सकती है अगर कोई ड्रग के अंदर वालाटाइल कंपोनेंट कम है जो उस ड्रग को एक स्पेसिफिक हालत में रख रहा है और वो वालाटाइल कंपोनेंट उड़ गया किसी भी वजह से टेंपरेचर प्रेशर की वजह से तो उसकी वजह से उसकी ब्रिटलनेस हार्डनेस पार्टिकल साइज पे अफेक्ट होगा लॉस ऑफ हाइड्रोजन से भी हो सकता है एब्जॉर्प्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन से एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन से डिग्रेडेशन होगी तो हम उसको कहेंगे हाइड्रोलाइसिस ठीक है वो आगे पढ़ेंगे और लॉस ऑफ वाटर से हो गई तो उसको हम क्या कहते हैं उसने अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन छोड़ दिया जिसको हमने ई फ्लोरिसं डी फ्लोरिसेंस और लिक्विसेंस इन सब टॉपिक्स में हमने पढ़ा हुआ है मिसलिनियस प्रोसेस यू कैन चेक आउट फ्रॉम माई चैनल इसके बाद क्रिस्टल ग्रोथ अगर न्यूक्लिएशन होगी ड्रग के अंदर बिला वजह में ऐसी ही ड्रग पड़ी हुई कहीं और उस ड्रग की स्टेबिलिटी जो है वो इंस्टेबिलिटी में कन्वर्ट होगी अंदर कोई माइक्रो जनरेट हो गया और उसने न्यूक्लिएशन कॉज कर दिया न्यूक्लियस फॉर्मेशन जिससे क्या होगा क्रिस्टल ग्रोथ आना शुरू हो जाएगी और वो ड्रग खुद ब खुद ऑटो डिग्रेड हो रही होगी इसको हम कहते हैं ऑटो डिग्रेडेशन कलर चेंजेस हो सकते हैं इन सब की वजह से उसके अंदर कलर अगर उसका ब्लैक है तो वो हो जाएगा ब्राउन के अंदर अगर ग्रीन है तो रेड के अंदर हो जाएगा तो ये वेरी करता है ड्रग टू ड्रग आगे हम पढ़ते हैं दूसरी डिग्रेडेशन विच इज केमिकल डिग्रेडेशन फिजिकल डिग्रेडेशन केमिकल डिग्रेडेशन ये दोनों ही ड्रग को ड्रग की इंस्टेबिलिटी की तरफ जाती हैं लेकिन न्यूक्लियर डिग्रेडेशन एक एसिड डिग्रेडेशन है जिसके थ्रू हम जो डिजीज हैं वो क्योर कर सकते हैं वो इस सिलेबस में नहीं है लेकिन मैंने आपको फिर भी नॉलेज के लिए बता दी चेंज इन केमिकल नेचर ऑफ ड्रग इस कॉल केमिकल डिग्रेडेशन यहाँ सब कुछ जो है फिजिकल नेचर की तब्दीली की वजह से हो रहा है यहाँ पर ड्रग की फार्मुलेशन जो इन साइड उसके एजेंट्स एक्सीपियंट्स या एक्टिव फार्मास्यूटिकल ड्रग्स उसके अंदर कुछ ना कुछ तब्दीली होगी तो डिग्रेडेशन कॉज होगी इट इंक्लूडस हाइड्रोलाइसिस हाइड्रोलाइसिस ये आगे हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन जिसको हम ऑटो ऑक्सीडेशन और फोटो ऑक्सीडेशन में भी पढ़ेंगे डी कार्बोक्जिलेशन कार्बन डाइऑक्साइड या बायोनेट्स uh, का निकल जाना डी कारबो कार्बोक्साइलेशन जिसकी वजह से ड्रग की फार्मास्यूटिकल या थेरापेटिकल एक्टिविटी कम या ज्यादा हो सकती है अगर देखें फार्मास्यूटिकल या थेरापेटिकल एक्टिविटी एक स्लीपिंग पिल की ज़्यादा होगी डी कारबोक्सलेशन की वजह से डी कारबॉक्जेशन मतलब उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो होगी या बायकार्बोनेट रिलीज हो गए और स्लीपिंग पिल है वो और उसकी थेरापोटिकल एक्टिविटी इंक्रीज होगी इन्हांस होगी तो ये डिग्रेडेशन क्या होगी पॉजिटिव डिग्रेडेशन होगी लेकिन कॉज क्या करेगी ड्रग की स्टेबिलिटी को आ, वो मतलब कि प्रमोट कर रही है एक थेरापोटिकल एक्टिविटी बढ़ाकर डी कारबोक्सेशन की वजह से लेकिन वो अफेक्ट क्या कर रही है पेशेंट पे नेगेटिव इफेक्ट डाल रही है क्योंकि वो फिर सोता ही रहेगा तो ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं अपने पेपर में अगर इस तरह की चीज़ें मेंशन करेंगे तो एग्जामिनर जो है वो आपको ग्रेस मार्क्स देगा इन बातों पर आइजोमराइजेशन और पोलिमराइजेशन जिनको हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में पढ़ेंगे तो होप्सो so, यहाँ तक आपको सही समझ में आ गई होगी ड्रग डिग्रेडेशन और ड्रग स्टेबिलिटी इनस्टेबिलिटी क्या होती है फिजिकल डिग्रेडेशन केमिकल डिग्रेडेशन क्या होती है सो माय नेक्स्ट लेक्चर किस पे होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग या इन्फ्लुएंसिंग डिग्रेडेशन और डिग्रेडेशन मैंने आपको बता दी फिजिकल और केमिकल सो जजाक कमेंट में पूछते रहेगा और नेक्स्ट लेक्चर का वेट करें